हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मछली की अंडे की रेसिपी। इसे बंगाली में माछे डिमेर कौशा भी कहते हैं। तो चलिए, ये डिश बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेंगे हम बताते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ लगेंगे 4 बड़े साइज प्याज, जो हमने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। मछली के अंडे, और ये है एक पेस्ट जिसमें अनियन है, टमाटर है और साबुत जीरा है। अब उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और लगेंगे तेल। ये सरसों के तेल है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हमने यहाँ जितना प्याज लिया था उसकी हाफ प्याज हम डालेंगे और हाफ हम बाद में डालेंगे। तो चलिए, प्याज को हम अभी फ्राई करते हैं। प्याज लाल हो चुका है। अब उसमें हम पेस्ट किए हुए मसाले और पाउडर मसाले एक साथ डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आलू को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक मसालों की कच्ची स्मेल ना चली जाए और मसालों की कलर लाल ना हो जाए, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। मसाला हमारा भून चुका है और देखिए इसकी कलर रेड हो चुकी है। इसमें से मसाले की कच्ची स्मेल जा चुकी है और मसाला तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मछली के अंडे। अब इसे अच्छी तरीके से हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बाकी बचा हुआ अनियन। इन सारे चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए, मसाला पूरा सूख चुका है और अनियन भी सॉफ्ट हो चुका है और तेल भी साइड साइड से निकल रहा है, तो ये रेडी हो चुका है। मछली के अंडे की फ्राई रेडी हो चुका है। देखिए, हम इस रेसिपी को ऐसे ही बनाते हैं घर पर। आप लोग भी इसे ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स पर बताना कैसा हुआ। ऐसे ही हम रेगुलर दिनों में जैसे खाना बनाते हैं उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें कमेंट कर बताना कि आपको कौन सी डिश की रेसिपी देखनी है। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।